Very good morning, dear students. Today we will start the chapter number 13, and the name of the chapter is sound. So the very first question that comes in our mind is that what is sound? हम अपने आस पास रोज इतनी सारी आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है, साउंड सुनते हैं, ये सुनते हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, बहुत सारे साउंड, बहुत तरह के साउंड हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। तो साउंड क्या है? साउंड बच्चे एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। साउंड क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है बच्चे। अब दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन आएगा कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। साउंड बेसिकली कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने कभी गिटार की वो वायर को ऐसे खींचा, वो खींच के देखो तो साउंड प्रोड्यूस होगा। आपने रबड़ को ऐसे खींचा फिर ऐसे छोड़ दिया तो साउंड प्रोड्यूस होता है। स्प्रिंग को ऐसे खींच के आप छोड़ते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कैसे साउंड प्रोड्यूस है? जब वाइब्रेशंस होती है, ठीक है। कई बार वो वाइब्रेशंस हमें दिखाई देती हैं और कई बार दिखाई नहीं भी देती, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें वाइब्रेशन हमें दिखाई देती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे? जैसे आप क्या करो, एक मेटल की प्लेट ले लो, उसको ऐसे बीट करो तो आपके हैंड को जो मेटल की प्लेट है वो वाइब्रेट करती फील होगी। ऐसे ही आप कोई मींस ड्रम, जैसे तबला होता है, तबले के ऊपर जब हम हिट करते हैं तो जो तबले की जो मेम्ब्रेन होती है, पतला सा पर्दा लगा होता है, तो वो क्या होता है? वाइब्रेट होता है, जिससे बच्चे साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम गुनगुनाते हैं, ऐसे कुछ गुनगुनाते हैं, हम यहाँ पे हाथ रख के देखो तो हमें थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होंगी जिनके कारण वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि जो साउंड है वो हमेशा वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब चीजें वाइब्रेट करती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपने और बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जिनको जब बजाते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। कभी आपने डीजे जब बजता है ना, शादी वगैरह में डीजे बजता है तो आपको लगता है ना कि धरती कांप रही है, धरती में भी वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं, तभी उसकी जो वॉइस है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, टू वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच है लैरिंग्स के अंदर। जब हमारे लंग्स से एयर बाहर निकलती है, बाहर की तरफ बाहर आती है, तो जो लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। उनके बीच में एक स्लिट होती है, थोड़ी सी जगह, वहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं वोकल कॉर्ड्स में। वोकल कॉर्ड्स में जब वाइब्रेशंस होती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं ये स्ट्रेच भी हो सकती है, रिलैक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये मसल्स के साथ अटैच होती हैं। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ द क्वालिटी वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हेन दे आर लूज एंड थिक। जब वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह स्ट्रेच होती हैं, खींची होती हैं, वो टाइट होती हैं और थिन होती हैं, उस टाइम पे जो वॉइस आती है वो डिफरेंट होती है। अगर वो लूज हो जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए, उस टाइम पे जो वॉइस की क्वालिटी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अगर हमारे लंग्स में से
बहुत ज्यादा फोर्स से वॉइस बाहर निकलती है, बहुत ज्यादा फोर्स से वॉइस निकलेगी, एयर बाहर निकलेगी, तो जो हमारी वॉइस होगी वो लाउड होगी, ठीक है। अगर बहुत धीरे से एयर लंग से बाहर आती है तो वो उसकी जो वॉइस का साउंड होगी पिच वो लो होगी, हमें मीन्स हम धीरे बोलते हैं, जब लंग से एयर वो मीन्स बहुत धीरे धीरे आती है, ठीक है। जब धीरे धीरे एयर आएगी तो वाइब्रेशंस कम होंगी, तो जो साउंड है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होगा। अगर वाइब्रेशन मीन्स एयर बहुत ज़्यादा फोर्स से बाहर आ रही है तो वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होंगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी तो हमारा जो साउंड है वो भी लाउड होगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं हमारा साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। जो साउंड है वो फोर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जैसे मैंने जब बैलून को फुलाते हैं हम इन्फ्लैट करते हैं बैलून को, वो चारों डायरेक्शन में ऐसे फुलता है, ऐसे ही जो साउंड है जब वो हमारे मुंह से या कहीं से भी निकलता है किसी भी सोर्स से, तो वो चारों डायरेक्शन में ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये वाइब्रेशंस हो रही है, यहाँ पे वाइब्रेशंस हुई, तो जो साथ वाली ईयर है उसको इसने ऐसे कर धक्का मार दिया, उसने साथ वाली ने उसको आगे धक्का मार दिया, तो ऐसे जो साउंड है इन द वेव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करता है। साउंड लिक्विड्स में भी ट्रैवल करता है, सॉलिड्स में भी ट्रैवल करता है। अब कैसे चेक करोगे कि लिक्विड और सॉलिड में ट्रैवल करता है? एक साइड कान आप ऐसे लगा लो, एक साइड ऐसे लगा लो, अब इसको टक करो, आपको आवाज सुनाई देगी। तो हम ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड के थ्रू जो आवाज है मेरे कान तक पहुंच गई, तो मैं कह सकती हूँ कि जो साउंड है वो सॉलिड में ट्रैवल करता है। ऐसे कोई लिक्विड है, लिक्विड में मैंने कुछ बेल रख दी ऐसे, लिक्विड के अंदर पानी में हाथ डाल दिया, वो मैंने उसको बेल को ऐसे बजाया तो मुझे वो साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब क्या है, अगर पानी के अंदर भी कोई साउंड बज रहा है या कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मुझे सुनाई देगा। इट मीन्स साउंड ट्रैवल्स इन लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी ट्रैवल करता है, बट साउंड कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो, जहाँ पे हवा भी ना हो, बिल्कुल खाली जगह, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल करता है, तो हम कहेंगे नहीं, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है इस चैप्टर का टॉपिक, हाउ डू वी हियर साउंड, हमें साउंड कैसे सुनाई देता है। हाउ डू वी हियर थिंग्स, हमारा जो ईयर है, ईयर है उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक आउटर ईयर, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर होता है। जो आउटर ईयर होता है वो साउंड को कलेक्ट करता है सभी जगह से और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। द आउटर ईयर कलेक्ट साउंड एंड डायरेक्शन इट डाउन द ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम। आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करेगा, साउंड कलेक्ट होके कहाँ पे जाएगा, ईयर ड्रम में जाएगा, ठीक है। ईयर ड्रम, द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट व्हेन इट रिसीव्स साउंड। जो ईयर ड्रम है वो जैसे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है ना, पर्दा, वो होता है। जब साउंड वहां पे जाता है तो वो पर्दा क्या करता है, वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉज द मिडल ईयर बोन्स टू मूव विच एम्पलीफाइड द वाइब्रेशन एंड सेंड देम टू कोचेला इन द इनर ईयर। अब ईयर ड्रम से जब वाइब्रेट हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा, मिडल ईयर बोन्स में, ठीक है, जिसको हम ऑसिसल्स कहते हैं। वहां पे जो साउंड है वो उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देगा, एम्पलीफाई मीन्स उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। वहां से जो साउंड है वो कहाँ पे जाएगा, कोचेला में। कोचेला ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू नर्व्स इम्पल्स। कोचेला क्या करता है, जो वाइब्रेशंस है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, नर्व्स इम्पल्स में। एंड वो इम्पल्स कहाँ पे जाएगी, हमारे ब्रेन को जाएगी, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ का साउंड है और क्या कोई बात कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ों को क्या करते हैं, सुनते हैं। कैसे, दोबारा फिर बता रही हूँ,
जो आउटर ईयर है वो साउंड कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्शन देके वो ईयर ड्रम पे जाता है। ईयर ड्रम एक पतला सा पर्दा है, जैसे ही साउंड वहाँ पे रिसीव होता है वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन को आगे किसको ट्रांसफर कर देता है, इनर ईयर को जिसमें बोन्स होती हैं। इनर ईयर उस साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। पहले अगर साउंड इस तरह की वेव फॉर्म कर रहा था, एम्पलीफाई होने के बाद वो इस तरह का साउंड बन गया, वहां पे अब जाके एम्पलीफाई साउंड कहाँ पे जाता है, कोशाला में जाता है। वो कोशाला उस एम्पलीफाई उस वाइब्रेशन को किसमें कन्वर्ट करती है, नर्वस इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। वो इम्पल्स हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन हमें बताता है हम किस चीज का साउंड सुन रहे हैं। ठीक है, आपको कई बार कहा जाता है कि कोई तीखी चीज से अपना कान साफ मत करो, क्योंकि जो हमारा एयर ड्रम है, जो हमारा पर्दा है, वो बहुत ही पतला होता है। अगर हम उसको साफ करेंगे तो वो फट जाएगा। पर्दा फट गया तो वाइब्रेशंस नहीं होंगी और साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। इसीलिए जब भी आप अपना कान साफ करते हो तो आपको किसी शार्प चीज से नहीं करना चाहिए या किसी पॉइंटर चीज से नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।